बहुत क्लियर आपसे बात आज करना चाहता हूं। मैं बहुत दुखी हूं कुछ सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म है उन लोगों से, और बहुत दुखी हूं जो लोग अकूट पैसा, चाहे बड़े बड़े वो एक चाहे वो खान हो, खान सर, खान खान सुनते सुनते हम थक गए। उस वक्त भी आरयू में यही खान, इतना गंदा आदमी है ये, जिस तरीके से ये बीजेपी या अन्य पार्टी किसी को फंडिंग और मार्केटिंग करता है, सबको मार्केटिंग करके अपनी मार्केटिंग करवाता है, फंडिंग करता है, मार्केटिंग करवाता है। क्या इस बार जो युवाओं की कार्रवाई हो उसमें खान से लेकर के गोल से लेकर के बहुत सारी, जैसे बड़ा बड़ा हुडिंग जो लगा, शंभू दयाल, शंभू शरण कौन थे, ये हुडिंग किसकी थी? आप क्या मीडिया को कभी देखा सन ऑफ इंडिया, सन ऑफ बिहार कहते हुए? क्या पत्रकार कभी किसी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को बनाता है, गिराता है, 180 दिन के अंदर हम मुख्यमंत्री को गिरा देंगे, सरकार बन जाएगी? ये कौन है, क्या थे ये? जो आदमी कुछ दिन पहले पत्रकार बनने के लिए मेरे यहाँ आया और हमने कहा कि आपने हिंदू मियाँ किया है, पहले इस दाग को धोइए, फिर दिव्यांश नाम के एक आयंस नाम के जबरदस्ती एक बीमारी को, एक बच्चे को लेके आया, 2 लाख रुपया हमारे, हमसे शुरुआत हुई, हमने 2 लाख रुपया उसको हम यहीं पर दिए उनकी हर, और उसके बाद उस आयंस को कोई बीमारी नहीं थी, 1 साल से वो जिंदा है, उसके पिता उसी कारण से जेल में चले गए। 1 साल के अंदर वह पत्रकार जो खियोस पैदा करता है, जिसके लिए आज कुछ यंग जनरेशन के कुछ लड़के जातीय आधार पर या हो के आधार पर, कोरेक्सिस के आधार पर जिंदाबाद मुर्दाबाद कर रहे हैं, या कुछ जातीय नेता, हमको समझ में नहीं आता है कि विजय सिन्हा जी की इंक्वायरी होना चाहिए कि क्या क्या भूमिका है इसमें, और इसमें कौन कौन लोग हैं जिसने पैसे की फंडिंग की है। हमारे बाद राकेश पांडे जी ने मदद की, फंडिंग किया अयांस के मुद्दे पर, और बार बार एक उसकी भी चर्चा होने लगी, क्या राकेश पांडे इसको फंडिंग कर रहे हैं? हमको समझना होगा इसमें, राकेश पांडे जो भारत का बैवरो कंपनी या लंदन में जाकर के एक बड़ा भारत को के नामों को कर रहा हो, रेस्पेक्ट दे रहा हो, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं। राकेश पांडे जी बीजेपी के साथ हैं या कौन कहाँ से गए, क्या हुआ, कैसे बने, मेरा उस पर नहीं लेना देना। लेकिन जब ऐसी चर्चा सोशल मीडिया पर या अन्य जगह होने लगती है कि इसके पीछे कौन कौन लोग हैं, तो मुझे लगता है कि हमको पॉलिटिकल बात करनी चाहिए, पॉलिटिशियन की बात करनी चाहिए, बिना पॉलिटिशियन की। आप हमको जरा बताइए फंडिंग कहाँ से आई, आप इसको समझने का प्रयास करिए। एक कहावत है, जब प्रशासन जब सही दिशा में काज नहीं करती है तो आम आदमी मजबूरन कानून कोर्ट का सहारा लेता है। यही कारण है कि न्यायालय में काफ़ी संख्या में मामला लंबित है। हमेशा से आप देखे होंगे प्रशांत भूषण को, जब कानून काम नहीं करती है तो कोर्ट जाता है। इसी तरीके से लगातार कुछ यूट्यूबर जिसमें जो आज रो रहे हैं या जिसके साथ कुछ लोग खड़े हैं, मुझे कभी कभी आश्चर्य लगता है कि भूमिहार समाज से मैं या कुजादव या राजपूत या कोई समाज से मैं हाथ जोड़कर एक अपील करता हूं, क्या हमारे समाज में जो वर्ल्ड की हिस्ट्री बनाने वाले, समाज निर्माण के जो बड़े बड़े इतिहासकार हैं, संघर्ष किए हैं, राजा महाराजाओं के पद पर रहे हैं, क्या मैं उसको आइकॉन ना मानूं? मैं भूमिहार समाज के लोगों से कहना चाहूंगा, मैं, मेरे भी घर में भूमिहार समाज में रिश्तेदार है, मेरे बहनों ही एक भूमिहार है। गुंडे मवाली आज हमारे भविष्य को, किस्मत को तय करेगा, क्या नेताओं को गुंडे मवाली के मंच पर जाना चाहिए? क्या तेजस्वी यादव जी को गुंडे मवाली के बंद पर जाना चाहिए? जो आज लगातार ये बातें हो रही है और सदन के नेता अपने चरित्र को झांक करके देखते नहीं है, दूसरे को गाली गलौज देते हैं, आज ऐसे लोगों को वो सपोर्ट कर रहे हैं, बीजेपी की क्या भूमिका है इस वीडियो को बनाने में, जो आज इतने बिहारी पिट गए इस वीडियो के बाद, क्या उन पर इसके बैक में कौन कौन है उस पर केस नहीं होना चाहिए? आप जो लगातार ये जितने 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 लोगों ने फंडिंग किया है या बड़ी बड़ी हुडिंग किया है, उसके एवज में इन्होंने मार्केटिंग करवाई, जिस कोचिंग में कंपनी में जाता है वहां पर ये मार्केटिंग के लिए पैसा लेता था और इसको देते थे, तो क्या ऐसे कोचिंग पर कार्रवाई नहीं होना चाहिए? क्या उसका काम यही सब बच गया है, गलत मार्केटिंग करके विद्यार्थियों के पैसे से आप ऐशो आराम की जिंदगी जियो, क्या उसके इन्वॉल्वेशन की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? बहुत क्लियर है, मैं बहुत क्लियर बात आज करना चाहता हूं, समाज क्या चाहती है? हम ये बात परफेक्शन आईएएस बनाने वाला जो ये यूट्यूबर्स को फंड करते हैं, आखिर इतना पैसा आता कहाँ? इतना ही नहीं, हॉस्पिटल मालिक, दवाई कंपनी मालिक अपना प्रमोशन यूट्यूबर से कराते हैं, जैसे इसमें मनु द्विवेदी जैसे लोग शामिल हैं, मनु द्विवेदी जैसे लोग कैसे शामिल हो गए? मनु द्विवेदी को क्यों नहीं इसको आप जांच का विषय बना रहे हैं? आप हमको जरा बताइए, जो नेता गाली गलौज देते हैं वो यूए में क्यों ना रहा है, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं करना चाह रहे हैं? सिर्फ एक हिस्से को, कुछ गलत लोग को छोड़ देंगे, आप बड़े नेता मगरमच्छ को छोड़ देंगे तो कैसे काम चलेगा? और समाज जिस तरीके से गलत लोगों को, और ये नेता मार्केटिंग करने लगते हैं, खड़े हो जाते हैं कुछ गुंडे लुच्चे मवाली जाति के आधार पर, मैं उन जातियों का कहना चाहता हूं कि आपका इतिहास है, आपकी विरासत है, आप पर आपकी विरासत पर गर्व करता है, हर जाति धर्म मजहब का अपना अपना इतिहास है, आप परशुराम भगवान की पूजा करते हैं, फिर आप लुच्चे लफंगे आपके नेता कैसे हो सकते हैं? जिसने
जुल्म के खिलाफ तलवार उठाई, जुल्म के खिलाफ लड़ाई लड़ी, वो जुल्मी के साथ खड़ा हो जाएगा? माँ का कुछ यूट्यूबर्स उसके माँ से लेके बयान लेकर के चलाने लगते हैं, कभी कुछ करने लगते हैं। आप उसकी गलती को झांक करके नहीं देख रहे हैं कि वो कितनी किप पर गलती करता चला गया। एक गलती माफी हो सकती है, 50-50 गलती, 10-10 गलती माफी होनी चाहिए। एक बार आपने चोरी कर ली तो बच जाइएगा, लेकिन लगातार दर बदर चोरी करते रहिए नेता लोग, दादा दादा के बाद नाना नाना के बाद बाप बाप के बाद बेटा बेटा के बाद पोता, क्या वो माफी जोग है? क्या ऐसे नेता को छोड़ देना चाहिए? और नेता सबसे बड़ा दोषी, तो नेता को बनाता कौन है? जब हम आज एक बच्चे की मौत हुई, एक ही बेटा था, मार दिया, नेता को पता ही नहीं कि थानेदार कौन है। एक थानेदार बेटा में 10 करोड़ रुपया कमाता है, सिटी में हम शाम में गए, वहां एक ही बच्चा था, मार दिया, बाईपास का 10 लाख कमाता है, ऊपर से नीचा थानेदार को बगैर किसी मंत्री और किसी सरकार के बेटा में पैरवी के बगैर वहां पर पोस्टिंग होती है क्या? एक ही बेटा था, मार दिया, कोई सुनने वाला नहीं, ये मुद्दा नहीं बनता, वहां यूट्यूबर्स नहीं जाएंगे। लेकिन ठेकेदार, बड़े बड़े ठेकेदार जहां काम करते हैं उसकी मिट्टी गिट्टी दिखा करके चुप हो जाना, बाद में पैसा लेकर के चुप हो जाना। सदन में भी नेता लोग यही क्वेश्चन करते हैं, इसी तरह करते हैं लोकसभा विधानसभा में, किसी के बारे में क्वेश्चन करके पैसा लेके चुप हो जाना, नहीं करते हैं क्या? एक बार आई है पैसा लेकर के क्वेश्चन में बात होना, कितने लोग जेल में गए, कितने लोग एमपी बने, कितने लोग सजा हो गए, लगातार सदन में कोई मुद्दा उठा करके, जैसे क्रीट सोमैया हमेशा बड़ा बड़ा पूंजीपतियों के खिलाफ मुद्दा उठा करके पैसा लेकर के चुप हो जाते थे। सदन में लगभग यही सब चीजें होती है। सदन से हमको नफरत क्यों हुआ? सिस्टम और पॉलिटिकल सिस्टम से नफरत क्यों हुआ? और आज बहुत क्लियर है, हम इस मामले में मैं बहुत क्लियर हूं। मैं आज किसी को बारे में कहने नहीं, मैं समाज को कहने आया हूं, कब तक ऐसे लोगों का सपोर्ट कीजिएगा कि मेरे जात का है 47 वाला, 56 वाला? कब तक गलत लोगों को सपोर्ट मिलेगी? कब मजबूत विचार वाले और आम आदमी की जिंदगी जीने वाले लोगों के साथ आप खड़े होंगे? कब, कब तक? मेरा बहुत क्लियर है, ये जितने पैसे पूंजीपति आपसे पैसा कमाते हैं वो कंप्लीट रूप से वाशिंग पाउडर निर्मा निर्मा चश्मा गोला गायब, जो दिखता है वो बिकता है। आप खुद सोचिए ना, ये यूट्यूबर्स को खाने के लिए पैसा नहीं था, फिर अरब करोड़ों करोड़ रुपया कहां से आए, किस किस ने फंडिंग की? आप हमको बताएं। इसलिए लड़ाई हम दर बदर लड़ेंगे, और गलत चैनल और गलत लोगों के खिलाफ लड़ाई लड़नी होगी हम सबको। ये जो छुटभैया लोग लेकर के गाली गलौज शुरू कर दिए थे, हर आदमी को गाली गलौज करना, तेरी बाप की, तेरी मां की, तेरी नानी की, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जरूरत है, और जो सपोर्ट करता है उसके कार्रवाई के खिलाफ जरूरत है। ऐसे नेता को जो जाति को गाली देता है, किसी धर्म और मजहब को गाली देता है, किसी संस्था को गाली देता है जबरदस्ती और नफरत का आधार बनाता है, उसके खिलाफ कार्रवाई करिए, उसको जेल में डालिए। क्यों जेल में नहीं? 5 करोड़ रुपया पकड़ाया उस पर यूए की कार्रवाई क्यों नहीं? बड़ी लंबी लंबी बात करते हैं ऐसे लोग। विजय सिन्हा जी की इंक्वायरी करिए, पूरा दवाई चले गए सब कुछ की, ये बहुत लंबी लंबी बात करते हैं। जो आपके मंत्रिमंडल में था उसकी पूरी जांच करिए, जो भरका बड़ी बड़ी बात करता है। इसलिए आज बहुत क्लियर हूं कि इसके लिए एक बड़ा कानून लाने की जरूरत है। मैं यहां आया हूं और एक दूसरी बात यही कहना चाहता हूं कि जाति के आधार पर गलत चीजों को प्रश्रय ना मिले, जाति के आधार पर किसी क्रिमिनल माफियाओं के मंच पर नेता जाने से बचे। बड़े नेता जिसको आइकॉन, लोगों को लगता है कि माफिया से ही बड़का नेता बनता है। 47 होगा तो हम जीतेंगे, 50 करोड़ रुपया होगा तो हम जीतेंगे। हर यूथ आज माफिया 47 बनना चाह रहा है और दूसरे को गाली गलौज देकर के नेता बनना चाह रहा है। क्या आप सोचेंगे कि देश के लिए यह सही है? यह मेरे लिए सबसे बड़ा सवाल है और मेरे हार्ट पर पड़ता है जब कोई किसी जाति को, किसी धर्म को, किसी को गाली देता है, जब कोई दूसरे को एक्सटॉर्शन करता है सवाल उठा करके सदन में, सदन के बाहर धमकी देकर के दिखा करके, और मार्केटिंग एक दूसरे का, सोनू सूद हो या कोई, हम तुम्हारी मार्केटिंग करेंगे, तुम हमको फंडिंग करो, तुम हमारी मार्केटिंग करो। पप्पू यादव की मार्केटिंग तो कभी नहीं हुई, ना मैंने करना चाहा, मेरे पास पैसे नहीं है, अरबों अरब रुपया मैंने शायद मार दिया होगा शायद, और उससे ज्यादा मैंने अपनी जिंदगी को खतरे में डाल के डाला, मैंने मार्केटिंग नहीं की, मेरे पास वो औकात नहीं है। फिर मैं कहूंगा जो दिखता है वो बिकता है,
खत्म करिए ऐसे लोगों को, तो संविधान, लोकतंत्र और समाज के लिए खतरे हैं। दूसरी बात, लगातार जब चुनाव आती है तो बहुत गंदगी राजनीति शुरू होती है। क्यों? ये मेरा सबसे बड़ा सवाल है। जैसे मैं शुरू करता हूं सीमांचल से, लगातार अमित शाह जी एक हैदराबाद के राजा, मैं जानना चाहता हूं अमित शाह जी से, जब जब सीमांचल में, कोसी में, मिथिलांचल में बाढ़ आए, कभी आप बाढ़ में गए? जब मेरी फैक्ट्री बंद हुई तो कभी आपने जाना? जब हम करोड़ों लोग पलायन करके जाते हैं तो कभी आपने हमारे दर्द को जाना? बांझ जाने परसौती के हाथ, उस कोने में रह करके मेरी मां के दर्द को आप जानेंगे? बाढ़ से हमको मुक्ति आजाद हिंदुस्तान के बाद आज तक नहीं मिली, कभी आपने जाना? कैंसर, यूट, आर्सेनिक पानी, आयरन पानी, दम्मा, हैजा, टीबी, हमारी जिंदगी बन गई, आपने कभी जाना? गरीबी मेरे लिए अभिशाप बन गया, दुनिया में देश सबसे ऊपर, देश में बिहार सबसे ऊपर, और बिहार में सीमांचल, कोसी, मिथिलांचल सबसे ऊपर। कभी आप जानते हैं मेरे यहां कितने बच्चे पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते हैं? पूरे बिहार में 1% बच्चे भी कॉलेज में दाखिला नहीं लेते हैं 8 लाख से नीचे, और उसमें सबसे ज्यादा कम मेरे यहां। कभी आप जानते हैं कि जो कोसी, सीमांचल, मिथिलांचल, जहां पर मखान 90% है, जहां पर मक्का है, जहां पर माछ है, जहां पूरी नदियां है, जहां पान है, जहां दूध सबसे ज्यादा है, फूड प्रोसेसिंग हमारे बीच में है, हम सबसे ज्यादा गरीब है, सबसे ज्यादा बेपनाह बीमार रहते हैं। कब आए आप मेरे यहां? कब आए ओबीसी साहब? कुंभकर्ण की नींद के बाद एक बार आप आते हैं और कौम के आधार पर इस्तेमाल करते हैं। कोई व्यक्ति कहता है मैं सिर्फ जाति के लिए काम करता हूं, ये मेरी पार्टी जाति की है, आप कहते हैं कौम का है, कोई कहता है हिंदू मियां का है, कोई कहता है ज्यादा बैकवर्ड फॉरवर्ड का है। एक पार्टी जाती है कहता है बैकवर्ड एक हो, एक पार्टी जाती है कहता है फॉरवर्ड एक हो, हिंदू एक हो, एक पार्टी जाता है कहता है कि नहीं मुसलमान एक हो, एक जाता है कहता है नहीं निषाद एक हो। क्या यही हमारी डेमोक्रेसी है? हम इसीलिए जाने जाते हैं? सीमांचल का इस्तेमाल कब तक? सीमांचल को राजनीतिक, कोसी को राजनीतिक भूमिका कब तक? मिथिलांचल का शोषण कब तक? कोसी को कब तक जादव, गैर जादव या बैकवर्ड फॉरवर्ड का आधार बनाइएगा? कब तक मिथिलांचल को ब्राह्मण गैर ब्राह्मण का आधार बनाइएगा? कब तक सीमांचल को हिंदू मुसलमान का आधार बनाइएगा? कब तक? कब तक? और जब चुनाव आएगा तो फिर आप वहीं से नफरत का जहर पैदा कीजिएगा? कब तक इस्तेमाल होंगे? क्या हमें अपने दम पर लड़ने की हिम्मत नहीं है? क्या कोसी सीमांचल को अपनी जिंदगी को तय करने की जिम्मेदारी नहीं है? हमारी जिंदगी तय करेगा हैदराबाद का निजाम, हमारी जिंदगी तय करेगा गुजरात का निजाम, हमारी जिंदगी तय करेगा पटना के निजाम? क्या कोसी सीमांचल की जनता और मिथिलांचल की जनता सबसे बड़ी ताकत नहीं रखती? लगातार वहां पर नफरत का आधार बनाया जा रहा है, गाली गलौज किया जा रहा है, एक दूसरे को गाली देने की बात हो रही है। ओबीसी जी, आपको 4 विधायक दिया था, आप कहां थे? इतने बार दंगा हुए, आप कहां थे? इतने मर्डर हुए, आप कहां थे? इतने एक्सीडेंट हुए, कहां थे? इतनी घटनाएं घटी, कहां थे? उसी बासी में बच्ची का बलात्कार हुआ, आप गए वहां? गए? कई मर्डर हुए, आप वहां गए? कितनी घटना घटी, आप वहां गए? मतलब आप ठेकेदार हैं कौम के? पप्पू यादव ठेकेदार है जात का, अमित शाह ठेकेदार हिंदू के हैं। 9 साल और 12 साल के अंदर जो जिसने सबसे बड़ी आबादी 28% आबादी की मदद नहीं कर पाया, दलित, एसटीएससी, वो ठेकेदार है। जिसने समाज को बांटने का काम किया और एक भी गरीब हिंदू के बारे में सोचा नहीं, वो हिंदू के ठेकेदार है। सिर्फ मंदिर और पत्थर के शिलालेख के आधार पर आप हिंदू के ठेकेदार हो गए, भगवान के ठेकेदार आप हैं। आपको भगवान का पता है? भगवान का पता मुझे है, मैं जानता हूं, इसलिए दुनिया की मदद करता हूं। आपने किसकी मदद की है? आप लोगों ने दुनिया का अकूट पैसा लूटा है, आप लोग अदानी अंबानी का सहारा लेकर के नफरत के आधार का बीज बोया है, आप पैसे की ताकत के बदौलत हर घर तक मार्केटिंग करते हैं। इसीलिए मैं आग्रह करूंगा सीमांचल, मिथिला और कोसी के लोगों से, क्या एक बार आप
अपने लिए जीने का प्रयास नहीं करेंगे? क्या पटना तय करेगी? मैं जाति नहीं हूं, हो सकता है जाधवों को लगता हो कि जाधव के ठेकेदार यही लोग हैं, लेकिन जब किसी गरीब कमजोर तबके किसी भी जाति की बारी आती है तो वहां ये ठेकेदार कहां जाते हैं? जब कोई जाधव मरता है तो ये ठेकेदार कहां जाते हैं? जब आई रेजिमेंट की बात आती है तो ये ठेकेदार कहां होते हैं? जब यादवों पर जुल्म होने की बारी आती है, जब मरता है छपरा से लेकर के गोपालगंज तक ये ठेकेदार लोग कहां रहते हैं? कटिहार से लेकर के भभुआ तक सासाराम तक ये ठेकेदार लोग कहां रहते हैं? सिर्फ वहां पप्पू यादव। जब छोटा सा दर्द और सवाल होता है तो आपके यहां कौन सा जाति के नेता जाता है? क्या नीतीश जी जाते हैं? इतनी बड़ी बड़ी घटना नवादा में नालंदा में घटी, नरसंहार हुए, कब गए मुख्यमंत्री जी? फिर सीमांचल को नफरत का आधार और जमीन क्यों तय करता है? वहीं से चुनाव का आगाज ये लोग क्यों करता है कि हमें बांटना है? नहीं बटने देंगे। अपनी मां और अपने मट्टी की रक्षा मर के भी करेंगे, लड़ेंगे, प्रयास करेंगे कि सीमांचल खुशी एक हो। हम बस यही कहना चाहते थे कि इन लोगों से बचिए। इन लोगों को बाढ़ का पता है, पप्पू यादव साहब के बगल में सोता रहा। याद करिए किशनगंज के लोग, एक बार भी हम आपको नहीं छोड़े थे। याद करिए पूर्णिया कटिहार के लोग, कहां थे वो कोशित रात की जब पप्पू यादव 4 करोड़ रुपया मनमोहन सिंह को बाय चेक दिया था, हम अपने घर से दिए थे, तब कहां थे ये नेता जो सब छोड़ के भाग गए थे? पैजामा पहन करके नदी में डूबकर फोटो खिंचाना और मार्केटिंग करना, क्या चुल्लू भर पानी में डूब के नहीं मर जाना चाहिए? सबसे ज्यादा गरीब है तेलंगाना, जाइए ना आप वहां जाकर के देखिए कितनी गरीबी है। आप हमें सिखाएंगे निजाम पर से आकर के गरीबी?